ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष रविवार तृतीया तिथि दिन भर और रात्रि 10:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र में दोपहर 1:30 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आश्लेषा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी बुधदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, अत्यधिक बुद्धिमान, चालाक, परिवर्तनशील आचरण वाले, कलात्मक अभिरुचियों वाले, संगीत प्रेमी और यात्रा प्रिय मानसिकता के होते हैं। ऐसे जातक अत्यधिक लोकप्रिय और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा चंद्रमा, बुध और केतु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दोपहर 1:30 तक कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। तत्पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज के जन्म जातकों का 27 दिन बाद पुनः इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। मेष राशि के जातकों के व्यावसायिक स्तर और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। रचनात्मक प्रयासों की गतिविधियां बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन्न होंगे। बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तत्पश्चात केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक भ्रम की स्थिति, माँ के स्वास्थ्य की चिंता और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। मगर जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया चालू रहेगी और बहुत दिनों से सोचे हुए गृहस्थी संबंधी कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल होगा। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। वृष राशि के जातकों के निजी मामलों में सुधार होता जाएगा। मानसिक बल में वृद्धि होगी और ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होने से कार्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेंगी। निजी निवेश और प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा मगर अपने विभागीय अधिकारियों के सहयोग में कमी संभावित है। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल है। किसी अतिथि के आगमन से मन प्रसन्न होगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के कार्य ऊर्जा में थोड़ी कमी और मानसिक दबाव संभावित है। चंद्रमा के राहु के साथ होने और बुध के नक्षत्र में चलने से हर काम के प्रति अनावश्यक व्यग्रता, जल्दबाजी की प्रवृत्ति के साथ मानसिक भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव भी सामने आते रहेंगे। सकारात्मक पहल जारी रखें, आर्थिक लाभ मिलता जाएगा। साझेदारी के कामों में व्यग्रता और जल्दबाजी उचित नहीं होगी। अध्ययन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना होगा और शाम का समय केतु के नक्षत्र में होने से राहत व सुकून वाला महसूस होगा। कर्क राशि वाले जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारी के साथ साथ कार्य क्षेत्र की उपलब्धि और नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी मगर मन में दुश्चिंताओं का आना और पारिवारिक तालमेल में कमी भी संभावित है। हालांकि सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अतिरिक्त आर्थिक लाभ संभव है। बच्चों के प्रति चिंता संभावित है। सामंजस्य बनाए रखें। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों का अनावश्यक भागदौड़, अनचाही यात्रा और सुख संसाधनों पर खर्च वाला मिला जुला समय रहेगा मगर दोपहर बाद मानसिक रूप से अपने आप को अच्छा व ऊर्जावान महसूस करेंगे। पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचार और मानसिक दबाव खत्म होंगे। कार्य योजनाओं की सार्थक पहल जारी रहेगी। रुके हुए काम भी चालू हो सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और सफल महसूस करेंगे और वाहन चलाने में सावधानी अपेक्षित है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का समय कार्य योजनाओं में आर्थिक लाभ और उसको व्यवस्थित करने में बीतेगा। रचनात्मक पहल जारी रहेगी। चंद्रमा के बुध के नक्षत्र में होने से कार्य योजनाओं के नए अवसर सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। साझेदारी के प्रस्तावों में मित्र व सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक लाभ बना रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आर्थिक सहयोग और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए सुबह से चली आ रही स्थिति में कार्य क्षेत्र का विकास होगा और सामाजिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की अनुकूलता में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में चली आ रही दुविधापूर्ण स्थिति खत्म होगी। कार्य योजनाओं की रूपरेखा का निर्माण होगा और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। साझेदारी के कामों में आपके प्रयास सार्थक होंगे, मगर विभागीय कर्मचारियों को सावधानी अपेक्षित है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारियों का हस्तक्षेप या दुविधा की स्थिति संभावित है। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी संतुष्टि महसूस होगी। निजी निवेश के लिए दोपहर तक का समय अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दोपहर तक का समय कामों में रुकावट और दुविधापूर्ण मानसिकता के बीच लगा रहेगा, मगर दोपहर बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से कार्य क्षेत्र के विकास के प्रति केंद्रित होगा और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सहयोग मिलेगा। रचनात्मक प्रयास सफल होंगे, संबंधित मामलों में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और यात्रा संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन अनावश्यक यात्राओं, मानसिक तनाव और भ्रमात्मक स्थिति वाला संभावित है, मगर दोपहर के बाद कार्य क्षेत्र की संतुष्टि बनने लगेगी और सहयोग मिलने लगेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे, जिसमें शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग शामिल होगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, संबंधित मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अच्छा है, सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें। मकर राशि वाले जातकों को कार्य क्षेत्र में सुकून मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विभागीय कर्मचारियों की सहायता से कामों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की प्रेरणा और सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में मन लगेगा। छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है, अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक लाभ की गति सामान्य रहेगी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पिछले दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में आराम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में निरंतरता बनी रहेगी, प्रतियोगी भावना विकसित होगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। रुके हुए कुछ काम संपन्न हो सकते हैं और साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वैवाहिक प्रस्ताव के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मीन राशि वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए। विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजिश के शिकार हो सकते हैं। आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। नए प्रस्ताव के लिए दोपहर के बाद का समय उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य के लिए टाल दें। आर्थिक मामलों में सहयोग संभव है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दुविधापूर्ण रह सकता है। सफलता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।